हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर कॉस्टिंग पोलिंग रिजल्ट्स। सो वी आर एंजॉयिंग एज मच एज यू आर। इसके भयानक रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपके तरफ से। सो बाय लास्ट वीक हम लोगों ने इस पोलिंग पीरियड के वीक 5 कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें 22 से 27 नंबर का आपको आंसर बताया था। और अब मैं आपको इस वीक के 28 नंबर से लेकर, जो भी पोल्स हैं 28 से लेकर, यहाँ पर हमारे YouTube कम्युनिटी चैनल पर 28 नंबर यहाँ पर है, 28 से लेकर अभी तक जो लेटेस्ट है उसके आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग पोल नंबर 28, शॉर्ट टर्म ऑफर्स शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू help the customer to buy from us at minimum cost, charge a premium for the one-off service, या फिर any of the above। जनता ने वोट दिया है कि हमेशा उसमें हेल्प करो, लेकिन बात ये भी तो सत्य है कि आप उसमें एक अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज कर सकते हैं कि किसी का कोई रिक्वायरमेंट आया और आपने उसको फुलफिल कर दिया। जैसे कि आप मान लीजिए लॉन्ड्री सर्विस चलाते हैं और हमारे पास एक होटल का रिक्वायरमेंट आया जिसमें उनको कोई इमरजेंसी में कुछ कपड़े धुलवाने हैं, हमारे पास सुविधा है, हम धो देंगे। और हमें पता है कि जिस क्वालिटी से हम धोएंगे वही क्वालिटी होटल को चाहिए और वो किसी और के पास नहीं जा सकता है। जब हमें पता है कि हमारी सर्विस की डिमांड है, कस्टमर हमारे पास ही आएगा और हम ही उसका वो काम करके दे सकते हैं, तो वाई नॉट कैपिटलाइज इट। हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर लेंगे और इस पर प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, आप करोगे नहीं करोगे अलग बात है, आप उसको सेवा भाव में मिनिमम प्राइस पे ऑफर करोगे अलग बात है, बट आप कर तो सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है एनी ऑफ द अबव। तो जनता जनार्दन, आप हमेशा सही नहीं भी होते हैं, अगर होलिस्टिक नॉलेज होगा तो ये पोलिंग में आप सही सही आंसर बताएंगे। और पोल में पार्टिसिपेट खाली करने से नहीं होगा, ऐसा ये वीडियो में आंसर भी देखना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एज यू नो, अगर आप हमारे CMA के स्टूडेंट हैं तो हमने AS की एक लाइव क्लास अभी स्टार्ट की है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जो चल रही है। ग्रुप 1 का ऑलमोस्ट हो गया है, ग्रुप 2 का भी चल रहा है। तो अगर आप CMA के स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर इस बोनांजा को अवेल करिए। नेक्स्ट, हमने अभी YouTube पे हमारे CA इंटर के कॉस्टिंग की प्रैक्टिस क्लास चलानी शुरू की है, जिसमें हम ICA मैट से सारे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, एज वेल एज हम आपको आपके RTP MTP से भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसके लिए हमने एक बुक बनाया है जिसका नाम है कॉस्टिंग दिव्य जड़ी बूटी बुक। ये बुक हमारे CA फाइनल में बहुत चलता है, उसी तरह से अभी इंटर में भी आपको वो बुक से भी सम्स करा दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे वो बुक लेंगे तो उनको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, क्या बोनांजा हो जाएगा। एंड मोर ओवर क्या होता है फ्रेंड्स, की पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस पूरी नहीं कर पाते ना, तो मार्क्स नहीं आता। खाली कंसेप्ट के बेस पे जाते हैं ना तो एग्जाम में सम्स बनता नहीं, ठीक है, आता है, लग रहा होता है आता है लेकिन बनता नहीं। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, और प्रैक्टिस अभी इतना जो माहौल ऐसा बना हुआ है उसमें कई बार अकेले करा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस नहीं आता या फिर बैठ के कमिटमेंट नहीं आता अपने प्रति। इसलिए आपको ये चीज़ प्रैक्टिस क्लास के थ्रू कराया जा रहा है। ऑलरेडी कॉस्ट शीट लेबर कॉस्टिंग हो चुका है, ओवरहेड्स चल रहा है, तो क्या पता इससे आपका कोई चैप्टर है जिसको आप अभी भी वीक साइड में मान रखे हो, उसको आप ओवरकम कर सकते हो। इनफैक्ट आपको तो हर चैप्टर का प्रैक्टिस इस प्रैक्टिस क्लास के थ्रू कर लेना चाहिए। एक एक क्लास में बहुत सारे सम्स करते हैं, लेबर का तो एक क्लास में 15 सम हो गया था। हाँ, ओवरहेड्स में थोड़ा बड़ा बड़ा सम है तो एक क्लास में 7-8 ही हो रहा है, बट अदरवाइज हम लोग थोड़ा स्पीड भी इसमें मेंटेन कर रहे हैं। तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी तो चलेगा, या फिर आप वीडियो जरूर देख लेना। एक और इंटरेस्टिंग बात थी इसमें कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स कम्युनिटी के चैनल होते हैं ट्विटर में, किसी ने हमारे चैनल को वन ऑफ ग्रेट यूट्यूब चैनल्स फॉर आवर CMA प्रोफेशन बताया, तो ये हैप्पीनेस हमने आपके साथ शेयर किया हमारे कम्युनिटी पर। नेक्स्ट है 29 नंबर, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग TQM अ कंपनी मस्ट मीट दिस क्राइटेरिया। हर कोई आदमी TQM नहीं कर सकता, हर कोई कंपनी भी TQM नहीं कर सकता, इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या मीट करना पड़ेगा। इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव।
यानी कि उसके पास इनफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज भी होना चाहिए जो क्वालिटी पे विश्वास करे और क्वालिटी के लिए काम करने के लिए राजी हो, रेडी हो, और थर्ड स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल स्किल्स उनका होना चाहिए, कंपनी का मतलब कंपनी में मैनेजर्स होने चाहिए स्ट्रॉन्ग स्किल्स वाले, वरना वो लोग आज करेंगे कल नहीं कर पाएंगे। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव, इसमें जनता जनार्दन सही है। नेक्स्ट हम ऊपर चले 30 नंबर पोल में आ जाते हैं। इफ देयर इज अ बेस्ट वे टू डील विथ की फैक्टर इट इज टू, की फैक्टर से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या माना गया है? इसमें दो तरीका आता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल वाला तरीका होता है कि भाई जितना है उसमें खुश रहो, यानी कि ऑप्टिमाइज व्हाट इज अवेलेबल, और मॉडर्न तरीका है जिसमें बोलते हैं कि एक्सप्लॉयट करके उसको एलिवेट करो, जितना हो सकता है यूज करो और फिर उसको एलिवेट करो। एलिवेट रिक्वायर्स कैपेक्स, एलिवेट रिक्वायर्स पॉसिबल यूज ऑफ एडिशनल फैसिलिटीज, ठीक है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनली सही है, यानी कि ऑप्टिमाइज करके व्हाट इज अवेलेबल फॉलो करना सही है। तो इसमें आपका जो भी वोट आपने दिया है वो सही दिया है। हाँ, ये तो बताना जरूर था मुझे, सीएमए वालों के लिए बहुत ही भयानक गुड न्यूज़ है कि हम लोगों ने पूरा ऑनलाइन पैटर्न का मॉक टेस्ट उनके लिए बना के डाल दिया है, चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है। हम लोगों ने अभी तक 3 सब्जेक्ट का डाला है, यानी कि कॉस्ट ग्रुप 1, कॉस्ट ग्रुप 2, FM, कॉस्ट ग्रुप 2 और FM एक साथ हो गया, और OMSM एंड अदर सब्जेक्ट्स के इन प्रोग्रेस हैं जो जो SGC में होते हैं। तो आप ज़रूर इस सेवा का आनंद लें, ठीक है। मतलब ये चार्जेबल नहीं है, बट इसमें कंडीशन है कि आप एक टेस्ट को एक ही बार दे सकते हो, सेकेंड टाइम देने का कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसलिए इस फैसिलिटी का पूरा भरपूर फायदा उठाएं। नेक्स्ट है कॉस्टिंग पोल नंबर 31। आउटसोर्सिंग एक ऐसा जरिया है जिससे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीइंग अप रिसोर्सेज। अगर आप अपना काम को आउटसोर्स करा लेंगे तो आपका रिसोर्स खाली हो जाएगा, आप उस रिसोर्स से कुछ और करा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज़ की होती है? फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि कभी आपको ज़्यादा बनवाना है तो ज़्यादा लोगों से आउटसोर्स करो, कम बनवाना है तो कम लोगों से आउटसोर्स करो, कभी भी अपस्केल करो, कभी भी डाउनस्केल करो। और कॉस्ट रिडक्शन भी, क्योंकि आप आउटसोर्सिंग तभी करोगे जब आपका बाहर का कॉस्ट कम पड़ेगा, आप बाहर का कॉस्ट महंगा पड़ेगा बोल के आउटसोर्स जनरली नहीं करते हैं अगर फाइनेंशियली आउटसोर्स करने जा रहे हो। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव, और इसमें भी जनता सही है। बट मैं आपको तब अच्छा मानूंगा, मेरी सक्सेस तब है जब जनता का रेशियो यहाँ पर बहुत हाई है, 82% अगर सही है तो 18% अभी भी गलत है ना, तो थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए। तो ये आ गई ओवरहेड्स की प्रैक्टिस क्लास, वेरी यूजफुल, आप लोगों को ज़रूर अवेल करना चाहिए। अगर कोई दोस्त हैं जो सीए इंटर में है तो उनको बता देना चाहिए। एज यू नो SGC में हमारे यहाँ पर अब बहुत सारे सर के साथ हमने टाई अप्स भी किया है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह ना जाना पड़े। तो ऐसे ही CMA फाइनल के लिए बहुत अच्छे सर हैं, संतोष कुमार सर दिल्ली के, उनकी क्लासेस भी आप SGC से अवेल कर सकते हो। तो क्या आपको 10 जगह माथा नहीं मारना पड़ेगा, किसको बोले, क्या बोले, किधर जाएं। तो आप अगर यहाँ से लेते हो तो सब कुछ आपके लिए सीमलेसली करवा दिया जाता है। और हमने एक नया चीज़ स्टार्ट किया, अभी कुछ केस स्टडी वीडियोज़ बनाने शुरू किए आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे सीखना है। तो नेक्स्ट लेवल के लिए को पोल तो चालू किया ही, और एक नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना है तो वो है केस स्टडी वीडियोस, जिसमें हम आपको रियल वर्ल्ड के कुछ सिनेरियोस एक्सप्लेन करके बताते हैं। ऑलरेडी पहले आइकिया का डाला था, फोर्ड का डाला था, बहुत बच्चों ने इसको पसंद किया, और अब एक और आ गया है मुंबई के डब्बा वाला। ऐसे और भी आते रहेंगे, आप प्लीज़ हमें ज़रूर फीडबैक दे के बताएँ कि आपको ये सब कैसा लग रहा है, और डेफिनेटली हम बेटर करेंगे। और कोई आपके आइडियाज़ हैं कि किस किस टॉपिक पे केस स्टडी वीडियोस बन सकता है तो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर में आ जाते हैं, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन। बहुत लोगों को लगता है इट्स एन अरेंजमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एक्चुअली उस अरेंजमेंट का नाम है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। बट एक्चुअली ये एक अरेंजमेंट है जिसमें हम सप्लायर एंड कंपनी के साथ अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें सप्लायर आता है हमारे साथ काम करता है और हमें आइडियाज़ देता है कि उसके प्रोडक्ट को यूज़ करके हम कैसे कैसे प्रोसेसिंग करें, जिससे यदि हमारे यहाँ कॉस्ट सेविंग होगा तो वो कॉस्ट सेविंग का रिस्क रिवॉर्ड वो भी उठाएगा। मतलब अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं लेगा वो अपने मेहनत का, और अगर हुआ तो वो बेनिफिट हमारे साथ शेयर करेगा।
ज्यादातर ये सर्विस इंडस्ट्री में देखा गया, जैसे कि मान लीजिए मैं एक हॉस्पिटल हूँ, मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर भी होता है हॉस्पिटल में, अब मैं खुद से नहीं चला पाता तो मैं किसी को पकड़ा, बोला कि बाहर का कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है मेरे यहाँ भी चलाओ, तो मेरे मेरे लिए तरह से सप्लायर होगा, मेरे यहाँ आके काम करो और मुझे आइडियाज़ दो कि मुझे और भी बाकी प्रोसेसेस कैसे बेटर करना चाहिए। अगर उससे मेरा कॉस्ट सेविंग होगा तो तुम्हें तुम्हारा रेम्यूनरेशन मिलेगा और हमें भी फ़ायदा होगा। जो मेन क्रक्स होता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में वो ये होता है कि सप्लायर को फिर जो रुपया लेना होता है ना, वो फिर वो रुपया इनिशियली जो इन जनरल हम परचेज करके लाते हैं उसका सर्विस या उसको हायर करते हैं, तो जो इनिशियल रुपया चार्ज करता है वो हमसे नहीं करेगा, उसके बदले वो गेन आएगा तभी हमसे चार्ज करेगा। इस तरह का गेन शेयरिंग अरेंजमेंट जैसे एयरपोर्ट में, गवर्नमेंट का एयरपोर्ट होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, गवर्नमेंट का एयरपोर्ट है, अब उसमें कोई प्राइवेट वो लोग और ऐसी कंपनीज होती है जो एयरपोर्ट को मेंटेन करती है, पूरा रनिंग करती है और मेंटेनेंस देखती है। गवर्नमेंट ने जगह ले ली अलग करके, गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन करवा के एयरपोर्ट तो रेडी कर दिया, बट एयरपोर्ट को तो चलाना पड़ेगा ना, उसमें तो पूरा ऑपरेशन है। तो कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप करती है गेन शेयरिंग मॉडल में, कि अगर मेरे आने से गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा हुआ तो वो फ़ायदा से हम अपना रेमुनरेशन लेंगे, तो गवर्नमेंट उनको अपने तरफ से कोई सैलरी या फिर या कोई पर्टिकुलर मंथली कमिटमेंट नहीं देती है। गवर्नमेंट बोलती है देखो मेरा जगह है, देखो मेरे पास एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट होकर रेडी हुआ हुआ है, तुम इस एयरपोर्ट को चलाओ, इस एयरपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट करो, इसमें से उस रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके जो सेविंग्स होगा वो सेविंग्स में थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा होगा, क्योंकि हमने भी कैपेक्स किया है, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि थोड़ा तुम्हारा होगा थोड़ा हमारा होगा। और गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का मूल जो है क्रक्स है वो यही है कि गवर्नमेंट यानी कि जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट है और सप्लायर के बीच में जो इनिशियल शेयरिंग है वो कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ भी सप्लायर को तभी मिलेगा जब वो सप्लायर गवर्नमेंट के यहाँ कुछ बचाएगा। तो इस केस में ये जो कंपनी मेंटेन करेगी एयरपोर्ट को उसको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर वो नेट में लॉस किया तो, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नहीं देने वाली। और अगर फायदा हुआ तो वो फायदा कंपनी भी ले जाएगा और उस तरह से गवर्नमेंट भी ले जाएगा। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट का बहुत सारा काम करती हैं, तो इस तरह से ये अब आजकल कॉर्पोरेट्स में भी बहुत पॉपुलर हो गया है, इसलिए आपको ये मैंने बताया गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। और लास्टली ये 33 नंबर होगा, 32 गलत छप गया है, आई कैन नॉट एडिट इट, पोल एक बार छपने के बाद एडिट नहीं हो पाता, इट सिर्फ डिलीट होता है। तो इसमें देखिए पूछा गया ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस डजंट मेजर दिस लॉस। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस एक ऐसा परफॉर्मेंस मेजरमेंट का कैलकुलेशन है जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट्स है फैक्ट्री में वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें इन जनरल तीन तरह का लॉस कवर्ड होता है, एक आपका मशीन कितना देर चला, उसमें नहीं चलने का जो कारण है जैसे कि ब्रेकडाउन या फिर आइडल टाइम, ठीक है, तो वो सब लॉस मेजर किया जाता है जिसको अवेलेबिलिटी रेशियो के नाम से बुलाया जाता है। सेकेंड, उस मशीन को कितने स्पीड से यूज़ किया गया जिसके लिए हम लोग परफॉर्मेंस रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और थर्ड, इसमें क्वालिटी चेक किया जाता है कि आपके यहाँ डिफेक्ट्स कितने आ रहे हैं, गुड्स यूनिट्स बनने के बाद कितने डिफेक्ट्स निकल रहे हैं जिसको आप फिर हटा कर नेट यूनिट्स मार्केट में बेच रहे हो, तो उसको अपने क्वालिटी रेशियो बोलते हैं। तो डिफेक्ट मेजर करता है, स्पीड मेजर करता है, स्टॉपेजेस मेजर करता है, तो क्या चीज़ मेजर नहीं करता है, लॉस ड्यू टू कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। आई अंडरस्टैंड कि बहुतों के लिए जो लोग वोट में पार्टिसिपेट करें या पोल में पार्टिसिपेट करें, हो सकता है टॉपिक उनका पढ़ा हुआ ही नहीं होगा, बट वो फिर भी पार्टिसिपेट करें, एंड आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर पार्टिसिपेटिंग आल्सो, बिकॉज बहुत बार होता है हम गलत करके भी सीख जाते हैं, राइट, बट खाली पार्टिसिपेट करने से नहीं होगा, आंसर भी चेक करना पड़ेगा। वैसे ये वीडियोज को लगातार देखते रहिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पी फादर्स डे, यू मस्ट हैव विश्ड टू योर फादर, एंड he has been one of our greatest teacher ever, he taught you to be what you are. Thanks a lot for watching this full video, we'll see you soon for this same similar video next week. Till then, keep participating on our YouTube community channel. Bye bye, thank you.